के मित्र हाँ तो ये सब आ गए हैं और अमित जी गायब है। ये काफी देर से इंतजार कर रहे थे और ये आ गए। ये देखिए मास्टर साहब हो ना, ये मास्टर साहब तो मास्टर साहब का ऐसे ही लुक रहता है। ऋषभ को मिला चॉकलेट, ये ऋषभ का स्माइल देखो ये। रुको अभी, आज हमारे भाई साहब का बर्थडे है तो सब लोग केक वेक काटने के तैयार हो गए हैं और दो दो केक कट रहा है आज। तो ऋषभ बहुत एक्साइटेड है उसके पापा का बर्थडे। ऋषभ एडवांस में बैलून लेके बैठा है। बाप सोनाक्षी सब का बैलून फोड़ रही है। ऋषभ जो है ना चॉकलेट के रखवाले में बैठा हुआ। ये देखिए ऋषभ के पास इतना चॉकलेट। अरे बाप रे, वह नाराज हो गया। देखो ये किट्टा चुराई है ना। अरे मैं लाई थी ये। ये हुई ना हम खाए नहीं हम खिलाए पहले ना जी। हाँ ये देखो हमारा प्यारा बच्चा ऋषभ। हम बिना से बोले थे बिना तुम आने लगना ना तो चॉकलेट लेना है। और मुझे सबसे प्यारा ना किटकैट लगता है खाने। नेक्स्ट मॉर्निंग तो सो गाइस देख सकते हैं ये अमित जी के फ्रेंड आ गए हैं। ये है उनके मित्र और इनकी मैडम ये रही और इनके सर पता नहीं कहाँ है, गायब है। एक बार आई थी जो न्यूज लहन के मतलब हाँ तो ये सब आ गए हैं और अमित जी गायब है। ये कैसी दोस्ती है कि आप आए और अमित जी गायब। हाँ बोल दीजिए अगर बोलना चाहते हैं। तो क्या बोलना चाहते हैं अमित जी के लिए, आप आए आपको कैसा फील हो रहा है? गेट पे हमें लगा गेट पे खड़े होकर रिसीव करेगा। वो तो गायब ही है। नहीं वो वेट कर रहे थे कब से तो हमको लगा कि आप लोग कहीं मतलब शॉपिंग ओपिंग करने चले गए। वो सोचे हम जैसे खटखटाए तैसे भाभी जी खोल दे। अरे खटखटाए कहाँ, ये हमसे बोली ब्लाउज देने जा रही थी। तो गाइस ये सब आ गए हैं, नाश्ता पानी लग गया है, लीजिए खाइए। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। आइए आप भी बैठिए इधर। नहीं नहीं यही ठीक है। नहीं नहीं इधर आ जाइए आराम से। नहीं नहीं यहां बेहतर है, इधर आ जाइए ना। ये काफी देर से इंतजार कर रहे थे और ये आ गए। ये देखिए ये देखिए अरे परम मित्र लंगोटिया यार। तो इनको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग अभी शादी में रिसेंटली हम लोग गए थे वहाँ पे मिले हैं। इनका नाम है कुंवर लाल महेंद्र प्रताप सिंह पटेल। सो गाइस ये वो शख्स है, 1650 का पता नहीं क्या आ गया, ये वो शख्स है जो हमारे साथ हनीमून पे गए थे और ये ऑनलाइन ऑर्डर कर देते। इनका जोड़ी इधर बैठा हुआ है। ये है हमारी प्यारी भाभी जी जो हम लोगों के साथ गई थी हनीमून पे और ये भाई गया था। तो हमेशा इसको मैं हनीमून वाला ही कपल करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, क्योंकि वैसे तो आदमी को पता नहीं चलता है ना। सो गाइस ये सब आ चुके हैं और स्वागत हो चुका है बहुत धमाकेदार। अभी हम लोग बने हुए हैं, मैं अभी सेविंग कटिंग करा के आ रहा हूँ तो कैसा लग रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इंसान लग रहा हूँ आज क्योंकि काफी दिनों से पूरा भरा बुरा था। अभी लाइट नहीं है मेरे घर पे तो इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं बज चुका है डेढ़ बजे। देख रहे हो, वैसे भी है दिल्ली की लाइफ स्टाइल, गांव में सुबह 7-8 बजे नहा धो कर मास्टर साहब हो ना, ये मास्टर साहब तो मास्टर साहब का ऐसे ही लुक रहता है। तो ऋषभ आ गया, रोते भी लगते वो धीरे धीरे उठेगा। ऐसा सचिन मनीषा आया ना तो भी ऐसे करता था, जब वो एक दो दिन रहे ना खूब खेल रहा था उनके साथ, इसकी आदत यही है। सो गाइस इस टाइम आप लोग देख ही रहे हम लोग यहाँ डेली गेस्ट है। ओहो ऋषभ को मिला चॉकलेट, रुको ऋषभ को मिला चॉकलेट, ये ऋषभ का स्माइल देखो ये धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। थैंक यू बोलो, अच्छे बच्चे हो ना। देखो कोई ये प्यार से लाया है, पकड़ो इसको। तुम यार तुम्हारे लिए गुलाब जामुन हमें स्पेशली सुबह सुबह उठ के गए लेके आए। नहीं ये पहले के रखे परजी ना बोल। नहीं यार सुबह सुबह लेके आए भाई, सुबह सुबह लेके आए। अच्छा ये कहाँ से रखे रहेंगे, घर पे बना रहे हैं क्या जो रखे रहेंगे? अरे तो दे रहे तो कार्यक्रम 3-4 दिन से चल रहा है मुझे। नहीं आता है, दूर तो है नहीं, ये तो रहा बगल में, आएगा उस दिन खत्म।
तुम्हारा इन्फॉर्मेशन मिला, हम लेके आए, हम कहा अग्रवाल स्वीट से बढ़िया लेके आए, लेकिन वही है कि थोड़ा सा जल्दी वाला टाइम होता है ना, गर्मा गर्म वाला लेके आए, दो क्वालिटी कल इनका बर्थडे था, केक को कटा था। तो भाई तीन केक कट चुका है। अरे भैया जी हैप्पी न्यू ईयर, छोटा सा हम खोल रहे हैं। और बताइए कैसे हैं? हम नहीं खाएंगे। मैं तो घर पे हूँ। हाँ छुट्टी पे ही चल रहे हैं दो तीन दिनों से। अरे हम सबका मुंह मीठा हुआ है तो। और बताइए अब बेहतरीन चाय पी रहा है मेरा भाई। चाय का ये और मैं दोनों लोग बहुत शौकीन है। रिशा से मिले? ना बार ना। रिशा देखो ऐसे हटो। अब रिशा आ रहा है धीरे धीरे। देखो छोटा छोटा सामान लेके रखते हैं, क्या करेंगे? नहीं कुर्सी उर्सी नहीं। तो बहुत प्यारा गिफ्ट लेकर के आई हुई हमारी भाभी जी। और जयपुर का ट्रेडिशनल घूमने जाओ, आदमी सोचता क्या ट्रेडिशनल चीजें लेना। हम लोग को केरला में नहीं मिल रहा तुम जैसा यार। सड़िया लिए थे तुम, सुनो वो वहाँ का धोती लिए थे पहने कौर। अब वही जब घर प्रवेश करोगे पूजा जो सुनोगे तब पहनोगे शायद। पगड़ी ले आए हैं राजस्थान से। राजस्थानी पगड़ी ना वो अच्छा होता है। ट्रेडिशनल चूड़ा है ये, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो गाइज हम लोग सो गए थे और मैं भूल भी गया ब्लॉग को लेकर के। पता है आप लोगों को, हम लोग को पहले प्लान बना कहीं जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग लेटे बात करते करते पुरानी स्कूल की, हम लोग क्योंकि हॉस्टल लाइफ में रहे हैं 6 to 12 पढ़ाई की है, तो इतनी पुरानी बातें करते करते सो गए। कहीं घूमने जाना था, घूमने भी नहीं गए, बताओ यार हद नहीं होती है। और जब उठ रहे हैं तो देख रहे हैं शाम के 6 बज चुके हैं। ये देखिए मतलब अब तो कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि दिल्ली में 8 बजे से वैसे ही लॉकडाउन लग जाता है, दुकानें वकानें बंद हो जाती हैं। लॉकडाउन स्पेशली तो 10 बजे से है लेकिन यहाँ पे 8 बजे ही सब कुछ बंद हो जाता है। अभी सोनाक्षी ने जब बिल बजाया है ट्यूशन है तो फिर मैं उठा। नहीं ट्यूशन जहाँ था ना वो उसके बाहर पुलिस अंकल थे। पुलिस अंकल थे, बंद करवा दिया ट्यूशन? नहीं अब से मैम घर पे ही पढ़ाएंगे। मैं आपका घर मैंने देख लिया। मैम अपने घर पे पढ़ाएंगे? हाँ। उसमें नहीं पढ़ाएंगे? नहीं अब नहीं पढ़ाएंगे। पुलिस मना कर दिया क्या कि यहाँ नहीं पढ़ाना है? नहीं मैम कह रही थी। तो गाइस बहुत सुनाची हम लोग पता है घूमने गए थे। कहाँ गए थे? लाल किला। लाल किला बंद है। बहुत खा पी के आए हैं। तो हमको इतना लिलिया कहाँ है? लिलिया घूमने गया है। सो गाइस और खाना वाना खाए तो भैया संजय का प्लानिंग है। है? क्या प्लानिंग है संजय की? संजय का भी तो नींद से उठे हैं, हाथ मुंह धोले फिर संजय प्लानिंग कर। मतलब कि सोच लो कोई आया है दिल्ली में घूमने के लिए और हम लोग सो गए, हम लोग घूमे ही नहीं कहीं पे। दाल चावल खियावो तो का हो। और हम लोगों ने खाया था आज खाने में दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड और मिर्ची का अचार, खतरनाक स्पेशल। हम लोग के मेरी मम्मी बहुत ही जबरदस्त बनाती है मिर्ची का अचार, वाकई बेहतरीन था, मजा। सो गाइस भाई आज आपको मिला है और ये गया था अभी घूमने के लिए जयपुर, मुझे भी जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाया, क्षमा चाहता हूँ। और ये बहुत जल्द दिखाई पड़ेंगे हमारी एनिवर्सरी पे, सेलिब्रेशन जो होगा उसमें ये आएंगे। और इनका भी कुछ काम है, इनका भी काम रुका पड़ा, मैं भगवान माता ने दुआ करूंगा, इनका भी घर का काम हो रहा है, घर का काम इनका जल्द से जल्द हो, दुआ का कर वो पैसे वैसे दे तो ताकि गृह प्रवेश में हम लोग जल्द से जल्द इनके जाएं। और ये कह रहा है कि तुम भी जल्दी से घर लो ताकि तुम गृह प्रवेश करो तो हम आए। हम लोग का घर का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है भाई, क्या बताए चल रहा है। सो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पेंट करते हैं और अभी इसके बाद कुछ करेंगे, सब ब्लॉग शूट करेंगे, आएगा कल। वो इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल, बाय बाय।